हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। दैट इज वन ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट इज देयर। इससे पहले मैंने कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि इफ देन एल्स कैसे काम करता है। इस आज के डेट में हम लोग बताते देखेंगे कि इफ देन एल्स का जो अल्टरनेटिव होता है, जैसे स्विच केस, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक स्टेटमेंट है, इसका यूज करते हैं, वो किस तरह से यूज होगा, उसका यूज करने के क्या रेस्ट्रिक्शंस है और उसको हम लोग कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, उसके क्या है, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें यह बताया गया है कि इफ देन एल्स का यूज हम लोग किसी पर्टिकुलर एक छोटे से प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम एक से तीन के बीच में वी जस्ट गिव ए नंबर एंड प्रिंट दैट नंबर दैट यू हैव इंटर्ड 1 2 3 और रॉन्ग चॉइस विल बी देयर। तो इसका मतलब है ये किस तरह से होगा। तो इसके लिए हमने सिंपल से एक प्रोग्राम बनाया जिसमें एन में एक वैल्यू स्टोर किया और उसको एन को हम इफ देन एल्स से कंपेयर करते हैं कि एन अगर एन इक्वल्स टू वन है तो कंपेयर करने के बाद अगर मिला तो यू हैव इंटर्ड वन करके शो करेंगे, एल्स पार्ट में चले जाएगा क्योंकि वन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो एल्स करके हम फिर से इफ लगा के टू के लिए हम करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे और देन एल्स, यानी हमारे पास तीन ही चॉइस है 1 2 3। तो टू तो हमने कंपेयर कर लिया तो थर्ड विल बी द डिफॉल्ट। तो इसका मतलब है कि आइदर 3 होगा या तो फिर कुछ भी नहीं होगा, रॉन्ग। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, थर्ड वाले चॉइस में रखेंगे कि इफ एन इज इक्वल टू 3 तो देन 3, अदरवाइज दैट विल बी योर। तो इस तरह से इफ एल्स लैडर का यूज करते हुए हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। अब जाते हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूं कि इसका कोई अल्टरनेट हो सकता है क्या, यानी जो हमको और थोड़ा ईज कर दे, यानी हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, इतने कॉम्प्लिकेशन पे ना चल के हम इजी वे में कर सकते हो, तो इसका कोई अल्टरनेटिव है कि नहीं देखते हैं। सो देयर इज एन अल्टरनेटिव, सो यू कैन सी दैट हाउ द अल्टरनेटिव विल कैन बी पॉसिबल। तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो हम या तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारे पास जो इफ एल्स वाले जो मल्टीपल नंबर ऑफ इफ यूज हो रहा है या कीवर्ड यूज हो रहा है उसकी जगह हम एक कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन कंपेयर टू वन हो गया, फिर एन कंपेयर टू टू हो गया, ये भी डबल इक्वल टू साइन होगा, यहां गलती से सिंगल इक्वल टू लिख दिया गया, तो एन डबल इक्वल टू 3, यानी एन का 3 से कंपेयर होगा। उसके बाद मैं एक सिंपल से मॉडिफिकेशन करूंगा प्रिंटेप में, प्रिंटेप यू हैव इंटर परसेंट डी और एन को मैं शो कर दूंगा। तो जो हाँ 1 2 3 कर रहा था उसके जगह मैं एक कॉमन न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए कॉमन स्टेटमेंट यूज करूंगा और ये डायनेमिकली प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं जो इफ एल्स लैडर है उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं और इसके साथ जैसे इफ अगर मान लो इनमें से कोई नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में मैं यहां लिख सकता हूं एल्स रॉन्ग चॉइस। तो ये हो सकता है एक अल्टरनेट। और दूसरा अल्टरनेट हमारे पास जो नया है इसके लिए, जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया जा रहा है, दैट इज केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। देन हाउ दिस केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कैन बी रिप्लेस, या फिर अल्टरनेटिव में जो दो है इनमें से ये वाला कैसे होगा वो देखते हैं। सो यू कैन सी दैट केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में एक सिंपल सा जैसे मैंने इफ देन एल्स बनाया तो जो इफ वाले पार्ट है उसको मैं इफ से हटा के उसको केस के साथ रिप्लेस कर देता हूं। तो जब मैं केस के साथ रिप्लेस कर रहा हूं तो एक्चुअली जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्विच केस स्टेटमेंट। तो हम यूज करेंगे स्विच और उसके बाद जो कंपेरिजन में एन रखेंगे और ये एन जो होता है केस के बेस पर कंपेयर होगा। तो इसलिए जहां हम इफ देन एल्स में यूज करते थे एन कंपेयर टू वन, तो वहां पे ऐसा ना हो कि एन विल बी द स्विच, यानी वो स्विच हुआ और वो किसको कनेक्ट करेगा, यानी केस होगा, दैट इज द केस। तो केस वन, केस टू, केस थ्री। तो इस तरह से हमने तीन चीजें लिखा, 1 2 3, जो चीजें मैंने इफ में लिखा था उसी चीज को मैं यहां केस के साथ रिप्लेस करके लिख रहा हूं। तो मैंने ये लिख दिया और उसके बाद हमारे पास जैसे इफ में होता एल्स पार्ट तो हमने यहां एल्स पार्ट लिखा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो चीजें हम इफ में यूज करते हैं अगर उस को बेस करके इसको रिप्लेस करते हैं तो वो सही नहीं होता है। तो इसमें पर्टिकुलरली एक एरर है, वो एरर क्या है, सिंपल से बात है, वो एरर है एल्स पार्ट। यानी हम जैसे इफ में एल्स यूज करते हैं तो यहां स्विच में ऐसा एल्स यूज नहीं होता केस के केस में, तो इसमें यूज हम लोग करते हैं डिफॉल्ट का। तो वो डिफॉल्ट कैसे होता है देखिए नेक्स्ट में, यानी एल्स की जगह हम डिफॉल्ट यूज करेंगे तो कैसे होगा। तो देखिए डिफॉल्ट यूज हो रहा है एंड दिस डिफॉल्ट इज ए कीवर्ड, यानी ये कीवर्ड की तरह ही यूज होता है, जैसे स्विच हो गया, केस हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, दीज आर द कीवर्ड्स, सेम एज डिफॉल्ट इज ए कीवर्ड। तो इसका मतलब है इफ में हम एल्स यूज करते हैं और यहां पे हम जो होता है डिफॉल्ट यूज करते हैं एल्स के इन प्लेस में डिफॉल्ट, तो बाकी तो एज इट इज जैसे लिखा हुआ प्रोग्राम। तो इसका मतलब है ये अभी भी पार्शियली करेक्ट है, यानी यहां प्रॉब्लम क्या है जैसे बता दिया गया है ऊपर, जैसे टिप्स में बता रहा है कि इफ ए केस फेल्स कंट्रोल जंप्स टू द नेक्स्ट केस, यानी यहां जो हमने
इफ एल्स स्टेटमेंट को देख के जो यहां कन्वर्जन किया है, अभी भी ये कन्वर्जन में ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर केस वन सेटिस्फाइड हुआ तो वो केस टू पे भी चले जाएगा, उसको भी कंपेयर करेगा और उसके बाद ये प्रिंट को भी वो प्रिंट कर देगा। तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूएशन पे चलता है, यानी ये कंपेयर का मतलब ये नहीं है कि कंपेयर करके वो बाहर निकल जाता है। इसका मतलब है कि इफ ए केस फेल, यानी अगर कोई केस फेल होता है तो कंट्रोल जंप टू द नेक्स्ट केस, यानी नेक्स्ट केस में जाएगा और उसके बाद नहीं हुआ तो तीसरा केस में, यानी ये सबको कंपेयर करेगा। यानी इस पर्टिकुलर केस में जैसे कि इफ में एक अगर कंपेयर होता है सक्सेस हो जाता है तो बाहर चले जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वन कंपेयर होता है सक्सेस हो गया तो बाहर चले जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वन कंपेयर नहीं हुआ तो नेक्स्ट में जाएगा, फिर नेक्स्ट में, यानी अगर मान लो वन कंपेयर भी हो गया तो भी वो नेक्स्ट केस को जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड केस में जाएगा। जैसे कि इफ में अगर पहला वाला कंपेयर हो जाता है तो वो वहां से सीधा बाहर आ जाता है, लेकिन यहां पे अगर आप ऐसा यूज करते हो तो दिस इज नॉट द राइट वे। तो राइट वे क्या है? सो इफ केस इज सेटिस्फाइड ऑल स्टेटमेंट बिलो इट अप टू आर एग्जीक्यूटेड। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, अगर वो यहां से चलना शुरू करता है तो अगर पहला वाला सही भी होता है तो भी वो सेकेंड वाले को चेक करेगा, थर्ड वाले को चेक करेगा, डिफॉल्ट भी चेक करेगा और उसके बाद आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पे अगर वन सही हुआ तो ये वाला प्रिंट होगा, साथ ही साथ ये बाकी तो प्रिंट नहीं होगा बट ये प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट में वो कुछ नहीं मिलता उसको, तो इसका मतलब है डिफॉल्ट, यानी दो चीजें यहां प्रिंट हो जाएगी जो कि इफ के जैसा नहीं लग रहा। तो यानी हमको इफ के जैसा अगर बनाना है तो इसमें कुछ हल्का सा एडिशन करना पड़ेगा। वो एडिशन क्या है देखिए, इसका सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन इज ब्रेक। आप जस्ट ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे, यानी हर एक केस में हर एक स्टेटमेंट के बाद एक ब्रेक लगा देंगे, यानी जस्ट सेकेंड केस के जस्ट पहले तक एक स्टेटमेंट रहेगा, दैट इज ब्रेक। तो इससे क्या होगा कि केस वन सेटिस्फाइड होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट से सीधा सीधा वो बाहर आ जाएगा, स्विच वाले जो ब्लॉक है उससे बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये अगर वन सेटिस्फाइड हुआ तो ब्रेक से निकलते हुए वो यहां पे से बाहर आ जाएगा और एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है। सेम एज अगर हम लोग यहां बात करते हैं कि टिप्स ऑफ द केस स्टेटमेंट, तो अगर हम यहां देखेंगे तो सिंपल सा जो हमने अभी देखा कि अगर हम इफ देन एल्स को डायरेक्टली अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो एज इट इज कन्वर्शन तो नहीं होगा, उसमें कुछ एडिशनल हमको ऐड करने पड़ते हैं जिससे कि उसमें जो सिक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है वो ब्रेक हो सके, यानी एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन करने के बाद वो बाहर आ सके। तो इसीलिए हमारे पास यूज होता है कि अगर सपोज कर लो मल्टीपल स्टेटमेंट का यूज करना चाहते हो तो इफ देन एल्स में कंपलसरी है ब्रैकेट लगाना, ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको लगाना कंपलसरी है। बट स्विच केस के केस में आप ऑप्शनल है, यानी अगर आप नहीं लगाते हो तो केस से लेके ब्रेक तक के बीच का स्टेटमेंट एक ब्लॉक मानता वो। सो इसलिए इसमें एक हमारे पास फैसिलिटी है कि कर्ली ब्रेसेस इज ऑप्शनल। दूसरा, ऑर्डर ऑफ केस इज अनइंपॉर्टेंट। जैसे कि इसमें अगर आप किसी भी ऑर्डर में किसी को भी रख देते हो, जैसे डिफॉल्ट को इसमें यह बोला गया है कि वन डिफॉल्ट कैन बी वेरी फर्स्ट केस, अगर डिफॉल्ट को भी आप पहला केस रख सकते हो, तो इसका मतलब है आपकी मर्जी के हिसाब से इसमें ऑर्डर जरूरी नहीं है कि 1 to 10 हो, आप रैंडमली कोई भी ऑर्डर जैसे 5 पहले 2 फिर 1 फिर 6 ऐसा करके आप कोई भी ऑर्डर मेंशन कर सकते हो केस में, सिर्फ वो उसी को मैच करता है जहां केस उसको मैच करता है। और डिफॉल्ट केस इज ऑप्शनल, डिफॉल्ट केस आप चाहे तो हटा सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं कि कंपेयर कैरेक्टर्स। अगर सपोज कर लो हम थोड़ा सा एक अनदर एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज कर लो कैरेक्टर को कंपेयर करना है, जैसे यहां दिया गया है कि आप एक इनपुट लेते हो कैरेक्टर फॉर्म में और स्विच केस में आपने सीएच लगा दिया, और केस में जो इफ देन एल्स में हम लोग देखे होंगे कि राइट साइड में जो डबल इक्वल टू साइन के बाद जो वैल्यू लिखते हैं उसको हम केस में लिखते हैं यहां पे जनरली। तो केस में हमने इस तरह से लिख दिया और ये, तो इसका मतलब ये एग्जांपल परफेक्ट है कैपिटल ए से लेके कैपिटल सी के वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। सो देन क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द स्मॉल बी। तो इसका मतलब है अगर स्मॉल ए बी सी के लिए हमको चाहिए तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब है अगेन मेरे को फिर से तीन स्टेटमेंट और जोड़ना पड़ेगा, तो ये तो इसका कोई अल्टरनेट है क्या? तो ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लोग ये देखते हैं, जैसे कि इफ देन एल्स में हमने देखा है कि सॉल्यूशन में हम प्रोवाइड करते हैं और केस, यानी लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं। तो आप भी यही सोचोगे कि इफ देन एल्स की जगह यहां पर भी लॉजिकल ऑपरेटर होना चाहिए, यानी सी एच तो हमारा एक ही होता है और यहां पर ए और स्मॉल ए दो कंपेयर होता है। जैसे कि मैं अगर इफ देन एल्स यूज करना चाहूंगा, लिखना चाहूंगा, तो वहां लिखूंगा सी एच कंपेयर टू कैपिटल ए और केस एंड सी एच कंपेयर टू स्मॉल ए, यानी ये तो आप मैं जैसे मैं बोल रहा हूं कि सी एच तो एक ही होता है यानी स्विच में इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है जो उसके राइट हैंड साइड होता है कंपैरिजन, यानी रिलेशनल एक्सप्रेशन में जो राइट हैंड साइड होता है उसको यहां पर केस में लिखते हैं। तो अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो क्या
काम करेगा, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि दिस इज नॉट वर्क, यानी ये काम नहीं करेगा, सिर्फ पहला स्टेटमेंट काम करेगा और बाकी जो होता है काम नहीं करेगा, तो दैट इज बिकम केस वन, यानी केस वन में ही सही है, और केस जो सेकंड केस यानी केस बी और केस सी है ये इसके लिए सिंटेक्स एरर आएगा। जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो आपको इसमें सिंटेक्स एरर दिखेगा, तो इसका मतलब है कि इस तरह से लिखना राइट चॉइस नहीं है, यानी अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ इफ देन एल्स ये काम नहीं कर रहा, लॉजिकल ऑपरेटर को बेस करके अगर करते हैं तो इसका मतलब इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है। तो करेक्ट करने का हमारे पास एक तरीका है कि वो तरीका आप देख सकते हैं कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप सेपरेट केस यूज कीजिए। सो सेपरेट केस यूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप एक कॉमन एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं कि यू हैव एंटर्ड ए, यानी ए आपने किया है, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट दोनों ही कैरेक्टर यानी अल्फाबेट के लिए यानी स्मॉल और कैपिटल के लिए अगर आप एक ही स्टेटमेंट देना चाहते हो तो उसको आप ऐसे लिखोगे केस ए कोलोन केस ए कोलोन, यानी आपको एक कंपलसरी जो सिंटेक्स है उसका यूज करना पड़ेगा, बट प्रिंटेप एक रहेगा ब्रेक, फिर केस बी, इस तरह से आप किसी भी मल्टीपल ऑप्शंस को एक ही केस के थ्रू आप लिख सकते हो, एक ही ब्रेक के अंडर में लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या अगर मैं किसी इंटीजर को कंपेयर करना चाहता हूं उसके वेरिएबल्स, जैसे इफ में होता है कि अगर मैं दो वेरिएबल को कंपेयर करता हूं तो वो काम करता है, बट यहां पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि केस में मैं कभी भी वेरिएबल यूज नहीं कर सकता, जैसे कि यहां ए और बी यूज किया गया है, दिस इज नॉट अलाउड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये एरर होता है और इस चीज को हमको देखना है, यानी ए और बी क्यों होता है एरर। तो यू कैन सी दैट दिस इज दैट वेरिएबल्स नॉट अलाउड इन केस ऑफ इन केस स्टेटमेंट, तो यानी जो इन केस स्टेटमेंट में वेरिएबल जो होता है अलाउ नहीं है। स्विच में वेरिएबल अलाउ है, कॉन्स्टेंट अलाउ है, सब चीजें अलाउ है, बट केस में ओनली जो अलाउ है वो है कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन या कॉन्स्टेंट, अदरवाइज वेरिएबल इज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब है, एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं, जनरल फॉर्म में आप देख सकते हैं कि स्विच एक्सप्रेशन या किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, एंड सेकेंड थिंग इज इंपॉर्टेंट इज केस स्टेटमेंट। तो यहां पे स्पेसिफिक कर दिया गया है, यहां जैसे एक्सप्रेशन स्पेसिफिक किया है तो इसका मतलब होता है कि एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, प्योर कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, प्योर वेरिएबल एक्सप्रेशन, बट यहां पे खाली कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, यानी जो भी एक्सप्रेशन आप लिखोगे वो कॉन्स्टेंट फॉर्म में होना चाहिए, उसमें कोई भी वेरिएबल इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो केस के लिए ये खास बात होता है, फिर ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको आप याद रखेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, तो दिस इज द कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन। जैसे ये हो गया एक एक्सप्रेशन, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन, जैसे ऊपर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट का कॉम्बिनेशन है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये सब जो एक्सप्रेशन अलाउड है, बट कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन में ये और ये जो एक्सप्रेशन है वो अलाउड है। सो यू कैन सी दैट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, यानी उस एक्सप्रेशन में दोनों तरीके का अलाउ है, बट इस एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन में खाली एक ही तरीके का अलाउ है। अब डेटा टाइप फॉर द स्विच, स्विच के लिए डेटा टाइप क्या होना चाहिए, आप लोग देखे होंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि अगर अगर इनमें से अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या होगा कि तो क्या आपका आंसर ऑल आर अलाउड, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है, इंटीजर अलाउ है, कैरेक्टर अलाउ है, लॉन्ग इन अलाउ है, बट फ्लोट इज नॉट अलाउड। व्हाई? बिकॉज ऑफ फ्लोट कैन नॉट बी चेक यूजिंग स्विच, क्योंकि फ्लोट में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि डेसिमल्स इंक्लूड होता है, इसलिए उसका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। सो अब क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं कि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अराइज कर रहा हूं, आपको अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं और ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप ट्राई करके देखिएगा कि क्या ये स्विच ए रिप्लेसमेंट ऑफ इफ, अगर है तो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, अगर नहीं है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि क्यों नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि किस तरह से आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन का यूज होता है, वेरिएबल का कंपैरिजन नहीं होता, दीज आर द सम ड्रॉबैक्स आर देयर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि, तो इसको आप सोचिए और इसके बेस पर जो पॉइंट्स हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपके मेल का वेट करूंगा। सो सम टिप्स आर गिवन हियर, यू कैन सी दैट एंड यू कैन रीड दैट, अगर इफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू फेस तो यू कैन आस्क मी, दीज आर द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जिसमें आपके पास सारे टाइप के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब ये मेरा एक ट्यूटोरियल ऐप है जो कि मैंने रिसेंटली अपलोड किया है प्रोग्रामिंग इन सी के बेस पर, उसका ऐप का लिंक यहां दिया हुआ है, इसको आप टाइप करेंगे गूगल में या फिर एड्रेस बार में तो आपको ये जो ट्यूटोरियल ऐप है सामने आ जाएगा। इसमें सारा डेफिनेशंस दिया हुआ है, जो चीजें मैंने आपको दिया हुआ है इसको
नोट्स के फॉर्म में है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।